सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम हमारे हेडक्वार्टर के बिल्कुल फ्रंट में खड़े हैं, मैं और मनजीत सर। तो देखो, आज मैंने ये बात सोची यहाँ पे कि भाई हम तो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे फादर भी किसान, इनके फादर भी किसान, ये भी किसान, और उस जगह ऐसे निकल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वो भी इतने शॉर्ट टाइम में। तो इससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं था। आज मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो इससे बढ़िया फैसला मैं मेरी ज़िंदगी में नहीं ले सकता था, यकीन करना। आज महीने के अच्छे पैसे कमाना, गाड़ी में घूमना और देश विदेश की फ्री में यात्रा करना, आज मैं इधर आया हूँ ना तो मुझे रियल में फील हो रहा है कि जो मैंने मेहनत की है ना उसका मुझे फल मिला है। आज मैं मात्र 20 साल की उम्र में इतना कुछ अगर कर पाया तो वो सब श्रेय जाता है टियांस को, और टियांस थी तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। अगर टियांस नहीं होती तो ये सब कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ा थैंक्स टियांस को है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही है जिसने हमें बनाया है। आज आप मंजीत सर को भी देखते हो, फरवरी में इन्होंने ज्वाइन किया और मात्र 8 महीने इनको कंपनी में हुए हैं, वो भी पूरे नहीं हुए, 8 महीने भी पूरे 7.5 महीने हुए हैं। आज ये कंपनी के हेडक्वार्टर में हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। अभी 2 महीने बाद फिर दुबई भी जाना है हमें। तो मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन है या फिर इस चीज़ को ज्वाइन करने वाले, जो ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए अलग मैसेज रहेगा। सबसे पहले जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया था ये सोच के कि मुझे यहाँ पे कुछ करना है, देखिए आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप हर फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। और आपको ये भी पता है कि हर फील्ड में बहुत कम लोग सक्सेस होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने उनको फॉलो किया, मैंने हर उस बात को माना जो मेरे सीनियर्स ने मुझे बताई, जो मेरे बड़े बड़े जो सीनियर्स हैं उन्होंने मेरे को जो चीज़ें गाइड की, मैंने उनकी बातें मानी, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। जब हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं और जब हम अपनी चलाते हैं तब सारा खेल बिगड़ता है। तो आपको मैं एक ही सलाह दूंगा, सबसे पहले समर्पण अपने सीनियर को कर दीजिए। जो भी आपके सीनियर हैं, सक्सेसफुल अपलाइन है, वो जो बोलते हैं ना हाँ में हाँ मिलाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, डेफिनेटली आप भी कामयाबी की तरफ जाओगे। आप बिजनेस में वही करिए जो आपको बताया जाता है, अन्यथा कोई चीज़ अगर आप करोगे तो बिजनेस में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आपको एक और बात बताता हूँ, इस बिजनेस में क्या है, जब आप वर्किंग करते हो, जब आप यहाँ पे वर्किंग में रहते हो तो आप फील करते हो कि भाई हम काम तो कर रहे हैं लेकिन काम नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शुरुआत में बताऊँ, मैंने काम करना स्टार्ट किया 2021 नवंबर को, मेरी यहाँ पे काम स्टार्ट किया, करीब करीब 1 साल 9 महीने 1 साल 8 महीने मेरे को हो चुके हैं। मेरे पहले 3 महीने में एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई, 90 दिन में एक भी आईडी नहीं आई। आप सोच के देखो, जब 3 महीने एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई और फिर भी मैं आप तक पहुंच गया, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी 3 महीने में बहुत सारी ज्वाइनिंग आ चुकी है। केवल खुद पे विश्वास, डेडिकेशन होना चाहिए कि कामयाब हम होंगे, आपके साथ भी आपके बिना भी। जब आप में ये ब्रूटल डेडिकेशन होता है ना, तब कामयाब होते हो आप। तो देखो, मेरा क्लियर मैसेज है, टियांस में आप हो, कामयाब हो सकते हो। अगर आप 6 महीना कड़ी मेहनत अगर आपने कर ली ना, तो आपके रास्ते खुल जाएंगे। फॉरेन ट्रिप तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, आज हम ले रहे हैं, कल आप भी लोगे। बस आपको फॉलो करना है जो गाइडलाइन, जो प्रोटोकॉल है, और सिस्टम को फॉलो करना है। टीम को आपको डेडिकेट करना है इस काम के लिए, आपको खुद सबसे पहले पैशनेट होना पड़ेगा। जब आपका खुद का विजन क्लियर नहीं होगा ना, मेरे को याद है, मैं 1.5 साल पहले ये देखता था ना, सर बताते थे यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर ये है वो है, तो मैं सोचता था कभी जा भी पाएंगे, लेकिन सोचा यार ये लोग जाके आ गए तो हम भी जाएंगे, बस मेहनत तो की तो करनी है। लेकिन मैंने उस दिन फील किया कि मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, एक दिन वीडियो बनाऊंगा, है ना, जैसे सर ने बना रखी है वीडियो, मुकेश सर ने। मैंने भी कहा कि यार एक वीडियो तो मैं भी बनाऊंगा वहाँ पे पहुँच के, और आज जब वो सपना मेरा सच हुआ है तो मुझे फील हो रहा है कि सपने सच होते हैं, देखने की हिम्मत चाहिए बस। और सपने पूरे उनके भी होते हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म में भी काम करके पूरे कर सकते हैं, जैसे मंजीत सर आप भी कुछ मैसेज दीजिए लोगों को आपकी जर्नी के बारे में, 2 मिनट में ब्रीफ करके, कि यहाँ पे इतिहास में कैसी आपकी जर्नी रही, क्या क्या आपने देखा, क्या क्या आपने सीखा यहाँ पे, और किस प्रकार आप यहाँ तक पहुँचे, प्लीज सर। सिंपली क्या है कि जो यहाँ पे जो सीनियर को फॉलो करते, जैसे सर ने बताई बहुत ज़बरदस्त बातें,
कि जो सीनियर को फॉलो करता है, फॉलो मतलब क्या है कि जैसा बताया जाए वैसे करना। और ये एक पर्सन के लिए है ना जो स्टार्टिंग में काम करना स्टार्ट करता है, उनके लिए बेनिफिट भी होता है, क्योंकि तो सीनियर जो वही बताता जहाँ तक उन्होंने रास्ता तय किया हुआ होता है, समझ रहे हो, जहाँ तक रास्ता तय किया होता है वहाँ तक सीनियर बताता है भाई यहाँ तक, यहाँ पे खड्डे आएंगे, यहाँ पे खाई है, यहाँ से बचो। लेकिन अगर स्टार्टिंग में पर्सन फॉलो नहीं करता है, मतलब वो गड्ढे में खाई में गिरेगा, उसको चोट लगेगी और फिर बाद में बोलेगा सर सही कह रहे थे, यहाँ पे गड्ढा था। इसीलिए आप सिर्फ सिस्टम को फॉलो, बार बार बोलते ना सिस्टम को फॉलो, ये बहुत नेसेसरी है। मैंने कभी इस बारे में कोई शिकायत नहीं की, मैं सर को टोटली समर्पण कर चुका हूँ। स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग के टाइम कर दिया था मैंने, और मैं सिंपल बता दूँ आपको, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सर को फॉलो कर रहा हूँ, सर जो बता रहे हैं दैट्स इट, सर जो कह रहे हैं सर ओके हो जाएगा, ठीक है, यही चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे दिमाग लगाने वाला पर्सन सक्सेस नहीं है। और दूसरी बात, इतनी ज़बरदस्त फीलिंग आ रही है, फाइल के अंदर देखा था हेड ऑफिस को, अभी लाइव देख रहे हैं, सच में जाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल यहाँ से। और आपके पास एक गोल्डन चांस है थाईलैंड टूर, इतना इजी टूर है, इतना इजी टूर है, आपके पास अभी टाइम भी है काफ़ी, आप इसमें कूद जाओ, ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से। और बाकी जो गाइडलाइन होगी, जो रोड मैप होगा, वो आपके लिए रेडी है, सिस्टम को फॉलो कीजिए और थाईलैंड पहुँचिए, ठीक है। और चाइना का टूर अभी कुछ टाइम बाद विजिट कर लेना आप, ज़बरदस्त, फुल इंजॉय, बेटर टियांस, बेटर लाइफ।